गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। क्या हाल है भाई लोगों? तो बस यार, मैंने अपना रूटीन थोड़ा ऐसे चेंज किया है। जैसा कि अभी बजे हैं सुबह के 8:30, 8:30 हुए हैं, तो मैंने कहा यार आज जिम हम जल्दी चले जाते हैं। वैसे जो मेरा रूटीन रहता है वो लगभग मैं 10:30 बजे जिम पहुँच जाता था, तो मैंने कहा यार आज से हम थोड़ा जल्दी जाएंगे, क्योंकि कुछ काम दिन भर के ना फिर रह जाते हैं और रात को फिर सोते सोते काफ़ी देर हो जाती है। मतलब मेरे को 12-1 बज ही जाता है सोते सोते। लेकिन कल रात को मैं जल्दी ही सो गया था, 11 बजे मैं अपना पूरा सो गया। मैंने कहा यार आज टाइम से सो जाएंगे और सुबह टाइम पे उठेंगे और अपना शेड्यूल को करेंगे चेंज। तो यार 3 हफ्ते हो गए हैं मुझे रेगुलर। हाँ जी रेगुलर, कोई छुट्टी छुट्टी बीच में हुई है एक आधी, एक दो हुई है, मतलब हफ्ते में एक हुई है, हफ्ते में दो नहीं, हफ्ते में एक हुई है। तो डिफरेंस मेरे को अभी खुद में ही बड़ा लग रहा है। एनर्जी लेवल्स अच्छे हो गए हैं, थोड़ी क्या कहते हैं बॉडी की मूवमेंट, जैसे मैं बड़ा पहले स्लो आराम से रहता था, कूल काम सा, थोड़ी फुर्तीला हो गया हूँ, ये थोड़ा डिफरेंस आया। बाकी वेट तो आपको बताऊंगा अभी 7.5 दिन बाद ही करेंगे। कपड़ों का फर्क लग रहा है, इंचेस का फर्क लग रहा है, तो बस मेहनत करी जा रहे हैं, डिफरेंस तो आएगा ही गाइस। लेकिन ये है कि अब एक रूटीन बन गया है, जो मेरे को डर था कि शायद अपना रूटीन बन नहीं पाएगा, लेकिन वो रूटीन अपना बन गया। तो चलो पहुंचते हैं अब सीधा जिम और अपना करते हैं आज का वर्कआउट अपना स्टार्ट। गाइस वर्कआउट अपना कंप्लीट करके वापस जा रहे हैं घर की ओर, जाके अपना प्रोटीन वगैरह लेता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। आज यार एक्सरसाइज लगाते लगाते ना ये पीछे वाले लैट्स पे पता नहीं क्या हुआ, क्रैम पड़ गया। चलो थोड़ा स्प्रे लगाना पड़ेगा मूव का और क्या। गाइस मैं नहा धो के हो गया हूँ बिल्कुल रेडी, और अब पहले मैं आपको बताऊं यार, वहाँ पे जिम में जो मैंने पीछे वो लगाई ना बैक लैटरल एक्सरसाइज, मेरे को लगता है यहाँ पे ना टेयर हो गया। अभी मैंने यहाँ पर वो मूव स्प्रे लगाया। चलो अभी ना मेरा एक कोरियर आया, मैंने कोई स्टैग ऑर्डर किया था, आपको वो दिखाता हूँ। और दो चीज़ें मैंने पहले ऑर्डर की थी वो पहले आ गई थी 2 दिन पहले, एक अभी आया तो आपको वो दिखाता हूँ मैं। ये देखो सोनिया लगी हुई है, बड़े मजे से खोल ले, ये सोच रही है ये खोलेगी शायद, इसको मैं दे दूंगा। गाइस ये जिम तो जाती नहीं है, इसको मैं क्या दूंगा बताओ। बताओ ना गाइस क्या घर में क्या कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो फिर पहले घर का देखना पड़ता है। हाँ तो गाइस सबसे पहले ना, हाँ चल ये दिखाओ खोल के, ये वे प्रोटीन है सिट्रॉन का, सिट्रॉन कह लो साइट्रॉन कह लो सिट्रन वे, हाँ ये हो गई है। तो ये गाइस मैंने ये मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था और 2 दिन में इसकी डिलीवरी आ भी गई है, देखो कितनी फास्ट डिलीवरी है। तो ये वाला जो प्रोटीन है ना गाइस, ये मैं ऑलरेडी मैंने पहले यूज किया हुआ है, तो मेरे को इसका रिजल्ट काफी अच्छा लगा। सबसे बढ़िया जो बात इसमें ना, इसकी मिक्सेबिलिटी बहुत अच्छी है, जब हम शेक करते हैं तो कोई झाग झूग वैसा कोई सीन नहीं है, जैसे काफ़ी प्रोटीन्स की बन जाती है और ऐसे ऐसे वो गाढ़ा गाढ़ा ऐसे हो जाते हैं, वो चीज़ इसमें नहीं होती है, पूरा मिक्स हो जाता है। और जब मैंने पहली बार ऑर्डर किया था ना गाइस, तब मेरे को ये शेकर फ्री मिला था इसके साथ सिट्रन का, ये शेकर की क्वालिटी भी ना बहुत ही बढ़िया है, मतलब अगर देखा जाए 400-500 का होगा ये वाला शेकर, जैसे इसकी क्वालिटी है, नॉर्मल शेकर को 200 का मिल जाता है।
ये तेरे स्लिम होने के लिए नहीं है ये गाइस, ये इस बार ही इस स्टैक है इस प्रोटीन के साथ ना, ये इसका ऑफर चल रहा था वैलेंटाइन डे पे, अभी भी चल रहा है वैलेंटाइन डे का ऑफर, वो आज सच वैलेंटाइन डे है, हैप्पी वैलेंटाइन डे। तेरा ही है सारे, तो जिम तो चली जा, ये खाने से ऐसे कुछ दिखाओ ना कि गाइस को क्यों नहीं जा रहे जिम, वो भी बताओ ना उनको, वो भी बता देते हैं, बताया है नहीं अभी तक, नहीं बताना चाहिए ना आपको, और बहुत बातें इनसे छुपाने लग पड़ा हूं। तो गाइस ये है ZMA, ये मसल स्ट्रेंथ के लिए होता है, और रात को सोने से पहले की अगर आप एक टैबलेट ले लेते हो, नींद बहुत बढ़िया आती है, जिन भाइयों को नींद की प्रॉब्लम होती है वो रात को सोने से आधा घंटा पहले बस ये एक टैबलेट ले लें। तो इन दोनों का ना ऑफर चल रहा था वैलेंटाइन डे स्पेशल, मैंने आगे प्रोटीन मंगवाया था ये वाला, तो मेरे को पॉपअप हो गया मोबाइल पे, तो इसका जो प्राइस वैसे है वो है 2199, और इसको जब मैंने ऐड किया ना तो इसका प्राइस हो गया 2300। तो वैसे ही है गाइस 1500-1500 का है, आप चेक कर सकते हो साइट्रोन की साइट पे, 1500-1540 का है ये, लेकिन 200 और देने में ना मेरे को ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिल गया। इसके साथ और भी ऑफर लगे हुए थे कि अगर ये नहीं लेना तो वही 2100 में मेरे को शेकर मिल रहा था फिर से, या फिर ग्लव्स मिल रहे थे एक्सरसाइज करने के लिए, और दो तीन और ऑफर्स हैं, फ्री वर्कआउट भी दे रहे हैं वो वॉलकैनो का। ये गाइस ये है ओमेगा 3, ये वेजिटेरियन वाले मैंने मंगवाए हैं स्पेशल चेक करके, इसके रिव्यूज काफ़ी अच्छे थे अमेजोन पे। ये जो ब्रांड है ये है, बड़ा औखा या नाम है यार, कार्बामाइट फोर्टे। तो ये भी कुछ खास महंगा नहीं था, मेरे ख्याल से 450 के अंदर ही था, और 60 टैबलेट्स हैं, एक टैबलेट मैं इसकी रात को लेता हूँ, और ये अब तो मैंने खा के देखे नहीं, ये भी वही सेम ब्रांड की है, ये है मल्टी विटामिन, तो ये ऐसी चीज़ें बहुत खाते मेरे को ना, ये सब स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं गाइस, मैं ऐसे ही ऑर्डर कर देता हूँ, देख के मैं कुछ जो कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि कुछ और ऑर्डर कर दूँ अपनी वाइफ के। ये तो अभी बिल्कुल बंद नहीं है, तो अभी खोला भी नहीं, ये भी बंद है, ये भी बंद है, इसको मैं ले रहा हूँ 2 दिन से, इसका रिजल्ट अच्छा ही होगा क्योंकि मैंने रिव्यूज चेक किए थे, काफी पॉजिटिव रिव्यूज थे, और एक वो बोला देखा जरा, तो मैंने ना एक चीज और ऑर्डर की थी, ये है प्री वर्कआउट, तुम्हें कहती की ऐड देखी थी, ये है बॉडी पस्ता, इसको ऑर्डर किए हुए मेरे को 4 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए गाइस, ले नहीं रहे हैं, लेता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को ना इंसोमिया के इशू हो जाते हैं, फिर मेरे को रात को नींद नहीं आती, तो मेरे को ये इसके रिव्यूज इतने अच्छे लगे, मैंने कहा था चलो मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा, तो मैंने किया ही नहीं, मैं आपको चाहिए तो आप यार ये वाला ब्रांड का सिट्रॉन की साइट से ही लेना, अमेजोन से मत लेना ना ही फ्लिपकार्ट से लेना, क्योंकि वहाँ पे इसके प्राइस ज़्यादा है, अपनी साइट पे इन्होंने प्राइस बहुत ही रीजनेबल रखे हुए हैं, आप वहीं से ऑर्डर करना, बाकी ये दो चीज़ें मैंने अमेजोन से ली थी, आप ये अमेजोन से ले सकते हो, नीचे मैं डाल दूँगा इनका लिंक, अगर आपने परचेज करना हो तो आप कर सकते हो वहाँ से, बाकी चलो थोड़ा ये बोल रहे थे शॉपिंग करने जाना है, शॉपिंग मतलब इसके लिए नहीं, घर का सामान लेके आना था, ग्रॉसरी लेके आनी है, तो लक्षा बस आने वाली है अब ट्यूशन से, वो लक्षा जैसे ही ट्यूशन से आती है तो हम निकलते हैं ग्रॉसरी लेने के लिए। तो गाइस ये सोनिया बार बार बोल रही है इनको किचन का दिखाया नहीं क्या हो रहा था, क्या कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, आपको भी हो रहा है यार क्या काम चल रहा है, चलो आपको दिखा ही देता हूँ, चलो ये देखो गाइस, ये ना काफ़ी देर से पीछे पड़ी हुई थी कि किचन चेंज करवा दो, यहाँ की टाइल्स आप चेंज करवा दो, तो ये सारा पत्थर उखाड़ने के लिए यहाँ पर आए मिस्त्री 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि हम एक ही दिन में सारा काम कर देंगे, जब उन्होंने यहाँ से पत्थर उखाड़ा तो यहाँ पर ना पानी की लीकेज हुई हुई थी, तो कहते हैं कि चलो हम पाइप भी चेंज कर देते हैं, मैंने भी कहा चलो यार अभी इन्होंने किया तो है इतना उखाड़ दिया तो पाइप चेंज करवा लेते हैं, बार बार ये काम थोड़ी ना होते हैं, अब भाई पाइप तो इन्होंने चेंज कर दी, उसके ऊपर इन्होंने वो सीमेंट बजरी का मसाला भी डाल दिया,
लेकिन आज 3 दिन हो गए हैं गैस, वो आए नहीं और घर पे इतना कलेरा पड़ा हुआ है ना, अब किचन का हाल देख के आपको पता लग ही रहा होगा। ये भी एक प्रोटीन मैंने यूज किया, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको इस साइड से, तो ये पाइप इतनी लंबी थी कि लॉबी का भी थोड़ा पत्थर उनको ना यहाँ तोड़ना पड़ा। अब क्या, अब यहाँ पे भी टाइल्स लगेंगी, ये सामने वाली टाइल्स भी सोच रहे हैं इसको भी हटा देंगे और इस साइड पे भी टाइल्स लगेंगी, क्योंकि उससे पूछा था टाइल्स वाले से, तो बोल रहा था अब ये जो विंडोज़ हैं इसके बराबर टाइल्स चल रही हैं। और यहाँ की जो आप देख रहे हो गाइस, ये पाइपिंग ये बाद में मैंने फिटिंग करवाई थी, क्योंकि ये गीज़र इंस्टॉल करवाना था इधर, तो उसकी वजह से ये बाहर है। अब लगे आप इसको भी अंदर करवा देंगे, अंडरग्राउंड करवा देंगे। कहने का मतलब ये एक हिसाब से कि एक ये किचन प्रॉपर नई तैयार हो रही है। तो टाइम सोचा था 3-4 दिन 5 दिन में हो जाएगी, तो जिस स्पीड से ये काम कर रहे हैं मेरे को लगता है 1 हफ्ता 10 दिन और कहीं नहीं गए, क्योंकि ये काम होगा, टाइल्स का काम होगा, उसके बाद फिर जो वुडन के बॉक्स लग रहे हैं उसका काम होगा जो हमने निकलवाए हैं, उसकी भी लगभग थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो टाइम लग जाएगा। और ये मैं अंदर आया हूँ गैस अपने रूम में, डॉलर मस्त सो रहा है, कल ना आया तो देखो कितना लश्कर रह गया, गोरा चिट्टा ब्राउन ब्राउन। और डॉलर डॉलर अरे पूछ देखो उसकी, सोए सोए पूछ हिला देता है चोनू। अब पीछे पड़ा मेरा डाइट चार्ट, आज मैंने अपनी सारी डाइट दोबारा चेंज करवाई है, दोबारा मतलब नहीं ये तो आज दूसरी बार ही हुई है, वो एक्सरसाइज का करवाया था मैंने चेंज, तो अभी डाइट भी हम चेंज करेंगे। 3 हफ्ते हो गए हमको जिम जाते हुए। ओए डॉलर, ओए चोनू, ओए चोनू, ओए कुकु जाना तूने, घूमी घूमी जाना है। हाँ घूमी घूमी जाने के लिए ये तैयार है, देखो गाइस पूरा ऐसा को पता लगे हम जाने लगाऊ मैं कहीं पर साथ ही से उड़ जाना है। चलाक बड़ा है ये, इधर पूंछ ला रहा है कि मेरे को प्यार करे हैं। हाँ लुच्चे तेरा पता है मेरे को, पता है मेरे को तेरा पता है, तेरे पता है शरारते नहीं कर रहा अब तू, कर कर हा? कल मार पड़ी गाइस इसको मेरे से बहुत जोर से, मैंने ना इसको 3 नहीं मैंने नहीं मारा इसको इसने मेरे को मारा बहुत जोर से ना, मेरा पैर काटने रखा था और मैंने अपना पैर पीछे किया, मेरा पैर सीधा दीवार के कोने पे बजा, फिर इसको 2 थप्पड़ पड़े मेरे से, 2 थप्पड़। ये कहता चू 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 चू, उठ गया। हाँ तो गाइस वो देखो लबिशा कैसे भागी है, इधर आएगी मम्मा की साइड पे। हाँ तो आ गई है ये, देखो आता ही इसका रोब डालना शुरू हो गया मेरे पे। मैंने कहा हॉर्न हॉर्न मार रहा था ना गाड़ी का, कहती आवाज नहीं बचती है, हॉर्न मार रहे हो पी पी। तो ये देखो ये मैंने एक ना मोबाइल होल्डर और लगवाया था यहाँ पर, क्योंकि वो वाला जो है ना वो काफी उधर हो जाता है, वो आगे तक होना पड़ता है, तो मैंने ये एक पास में भी लगवा लिया। तो गाइस आ गया हूँ मैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करने डी मार्ट। सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ होती है ना वो पार्किंग की होती है, क्योंकि ये मेन लॉरेंस रोड पे है अपना, ये देखो तो यहाँ पे कितना रश लग जाता है। लेकिन आज अच्छी बात हो गई है, इन्होंने एक पार्किंग का सिस्टम बनाया हुआ है अपने बाहर ही, जो यहाँ के क्लाइंट्स हैं। आज जगह थी, अभी मैं इवनिंग में आया हूँ, 6:30 हो गए, लेकिन फिर भी अपने को जगह मिल गई है। चलो अच्छा हो गया, अब चलते हैं सीधा अंदर और करते हैं अपनी छानबीन शुरू। सोनिया तो लग गई है अपना, क्या ले रहे हो? ये देखो यार इसको आता ही ना पहले अपने पॉपकॉर्न दिखाई दे गए, अरे चल फैमिली पैक लिया, देना तूने है नहीं, दे फिर मेरे को, अच्छा दे फिर थोड़ा दे, अरे वाह चलो वाह।
तो गाइस ये लविशा ने जो पॉपकॉर्न अपने पकड़े थे ना, भैया ने बाहर ही रखवा लिया, उन्होंने बैग दे दिया। अब इसके पॉपकॉर्न इस बैग के अंदर है। और तू अपनी पॉकेट में डाल के बैठी है, थोड़े से डाल ले, बड़ी तेज है तू। हैं पीती तू है नहीं है, है? ये तो गाइस यहाँ पर ऐसे आई ना लविशा, जैसे पिकनिक पे आई हो। और ये सब कुछ आप ले रही हो, बस मैं अपना योगर्ट ले रही हूँ। और तूने ना पिया तो हाँ, एक्टिंग मत कर तू। ये ले अभी गिरा रही है, अरे वो पड़ी अपनी ट्रॉली जाके वहाँ पे रख के आओ, जाओ। तो गाइस ये लविशा ना अपना शॉपिंग करने लगी हुई है, कुरकुरे ले लिए और ये अपने वेफर्स ले रही है। अब ये चॉकलेट वाला सेशन ढूंढ रही है कहाँ पर है। चल रहने दे फिर वो, तू अब चॉकलेट रहने दे, ऐसा कर मैगी ले ले। चल इधर आ, इधर देखते, इधर है मैगी का। तो गाइस फाइनली बिलिंग करवाने लगे हैं। इसका तो ना ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तब से कभी कुछ पकड़ लेती है। ये साइड में भी कुछ ना कुछ इन्होंने निकाल के रखा होता ना, उनमें भी हाथ मारी जा रही है, पकड़ी जा रही है कुछ ना कुछ। तू रख दे उधर, अब रख दे। गाइस सामान कर दिया पूरा लोड और टिक्की कर देते हैं बंद, शॉपिंग हो गई है पूरी। अब रास्ते में देख लेते हैं कुछ और लेना हो तो। चलो चले अब गाड़ी में बैठते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं घर पर। अब क्या, अब करेंगे मजदूरी, सामान निकालेंगे गाड़ी में से, घर के अंदर लेके जाएंगे, पूरी सेटिंग करेंगे। तो चलिए ये व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं। जाने से पहले प्लीज़ यार चैनल को शेयर कर, चैनल सब्सक्राइब कर देना जब फर्स्ट टाइम आए हो, और वीडियो को लाइक किया करो प्लीज़ कर दीजिए ना।